आज भी बहुत लोगों को सेविंग्स करना है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, लेकिन यार ये समझ नहीं आता है कि किस तरह से सेविंग्स किया जाए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए। वेल, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसको देखकर आप ये प्लान कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके। लेकिन अगर अभी तक आपने सेविंग्स नहीं किया है और जल्द ही प्लान कर रहे हैं कि हाँ भाई अब तो टाइम हो गया, अब तो मुझे सेविंग्स करना है, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 3 सुपर सेविंग टिप जो मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं सेविंग्स करती हूँ और किस तरह से आप भी ये सेविंग हैक अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला हैक ये है कि आप जैसे ही आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप अपने सेविंग्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए आज अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं या फिर किसी भी तरह से आपको इनकम आती है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना बजट बना लेते हैं और ये देखते हैं कि ठीक है इतनी मुझे सैलरी आएगी, इतना अमाउंट मुझे रेंट पे देना है, इतना अमाउंट का मुझे ग्रोसरी खरीदना, इतने अमाउंट का मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है। फिर उसके बाद हम ये सोचते हैं एट लास्ट कि हाँ ठीक है भाई मेरे पास 1,000, 2,000, 3,000 जितने रुपए बच गए हैं उसको मैं सेव करने वाली हूँ या फिर वाला हूँ। लेकिन यहीं पे हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं व्हेन इट कम्स टू सेविंग, क्योंकि हमारा जनरली माइंडसेट ये नहीं होता कि हम ये नहीं सोचते हैं इतने कॉन्शियसली कि हमको सेविंग भी करना है भाई, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन हमारा माइंडसेट ये होता है कि ठीक है पैसे बचे तो बचे, नहीं बचे तो नहीं बचे, अगर बचे तो थोड़ा सेविंग हो जाएगा, नहीं हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं अगले महीने कर लेंगे। लेकिन हमें इसी एटीट्यूड को अपना चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अपने सेविंग्स के ओर भी ध्यान दें थोड़ा, और फिर बाद में अपने बजट की ओर भी ध्यान दें। यहाँ पे एग्जांपल मान लेते हैं कि आप हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है। अब इस 50,000 रुपए में से आपको ये डेडिकेट करना है कि ठीक है भैया इसमें से मुझे एटलीस्ट 30% तो बचाना ही बचाना है, सेव करना ही है एट एनी कॉस्ट। तो ये 30% क्या होगा, ये 30% 50,000 में अगर हम कैलकुलेट करें तो 15,000 रुपीज ऐसा हमारा सेविंग्स बच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं 30% का पोर्शन दे रही हूँ ये 50,000 का, ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका इनकम कितना है। अगर आपको हर महीने 30,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, तो ये उस 40,000-30,000 में आपको 30% का ये देखना है कि आपको सेविंग्स करना है, ठीक है। तो अब हम यही सेम एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि 15,000 रुपए आउट ऑफ दैट 50,000 आपने सेव किया है। अब बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये भी रहता है कि ठीक है आप 15,000 बचा तो लिया, लेकिन इसका करना क्या है, कहाँ रखूँ। देखो आज अगर आप अपने सेविंग्स को बैंक अकाउंट में भी रखते हैं तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं, और इन्फ्लेशन जिस गति से बढ़ रहा है उसको दिमाग में रखते हुए आपको ये इंश्योर करना होगा कि लॉन्ग टर्म में आप अपने सेविंग्स को डबल भी कर सकें या फिर एटलीस्ट कुछ परसेंट से तो बढ़ा ही सकें। क्योंकि आज अगर मेरे पास 10,000 रुपये सेविंग्स हैं तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे पास यही 10,000 रुपये बचे, इसके अलावा भी मेरे पास एटलीस्ट 10,000 में मुझे 2,000, 3,000, 5,000 एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रही हूँ। अगर आपका भी यही माइंडसेट है तो सबसे पहला ऑप्शन ये है आपके पास, ये जो 15,000 रुपीज़ है ना, आप अगर आप यंग हैं थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप सबसे पहले ट्राई कीजिए कि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, यंग हैं, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इन लॉन्ग टर्म आपको 12% का रिटर्न म्यूचुअल फंड दे सकता है। जी हाँ, तो अगर ये 15,000 रुपीज़ आप बचा सकते हैं या फिर जो 30% है आपका वो अगर आप बचा सकते हैं, तो इसमें से कितना आप डेडिकेट करेंगे, अबाउट 6,000 रुपीज़ आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे 3 अलग अलग फंड्स होते हैं, तो इस 6,000 रुपए को आप 2 to 2,000 ईच करके डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप PPF में इन्वेस्ट कर सकें, जहां पर आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने सेविंग्स को मैं बता रही हूँ बचा सकते हैं। और ये मैं बता दूं आपको, PPF एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, स्पेशली इफ़ यू आर यंग और आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप PPF से पैसे निकालते हैं तो सबका सब टैक्स फ्री होता है, तो आप इस तरह से अपने पैसे को डबल भी करेंगे और साथ ही अपने पैसे को बचा भी सकते हैं फ्रॉम टैक्सेस। तो यहाँ पे PPF की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप 2 to 3,000 एवरी मंथ आप डेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन यह भी है आपके पास कि आप NPS में इन्वेस्ट करें। कितना इन्वेस्ट करना होगा, 2 to 3,000 अगेन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब NPS में मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके रिटायरमेंट का ध्यान रख सकता है।
तो यहाँ पे आपको सेपरेटली एक रिटायरमेंट प्लान तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आपको, अगर आप यंग है तो आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, आपको ये इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। इसके अलावा आप थोड़ा अमाउंट जो है अगर बच जाता है तो आप आरडी में लगा सकते हैं, थोड़ा अमाउंट आप जो है आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी लगा सकते हैं। अब मैं बता दूं, अगर आपने सेविंग किया है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जरूरी है कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक इंश्योरेंस भी ले लें, क्योंकि एक मस्ट है। साथ ही मेरी ये बात भी आप याद रखिएगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है, अगर थोड़े एक साल दो साल बाद थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाता है आपका, तो वैसे वैसे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी बढ़नी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आज आपको बता रही हूँ 2-3 thousand आपको इन्वेस्ट करना है, तो यही 2-3 thousand का एटलीस्ट 1,000-2,000 से ये बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टिप की ओर, जिसका नाम है अब्स्टेन फ्रॉम स्पेंडिंग मनी। वेल, आप मुझसे ये कहेंगे या फिर आप मुझ पे हंस रहे होंगे कि यार ये तो मुझे पता है यार कि हमें मनी स्पेंड नहीं करना है, इसमें नया क्या बता रही है तुम मेरा, ये सब तो हम सबको पता है, इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि आपको कब और कहाँ अपने एक्सपेंसेस को कम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेट्स से मैं हर दिन संडे को डेडिकेट करती हूँ कि ठीक है मैं संडे को हर दिन बाहर खाऊँ, हर संडे को मैं बाहर खाऊंगी, अपने फैमिली के लिए लंच ऑर्डर करूंगी या फिर डिनर ऑर्डर करूंगी, तो ये एक फूड एक्सपेंसेस हो गया। या फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एटलीस्ट वीकली वंस तो मैं बाहर जाकर खाना प्रेफर करूंगी, या फिर हो सकता है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर शॉपिंग करना जाना पसंद करूंगी, हो सकता है मेरे को उनके लिए कुछ खरीदना हो या फिर अपने लिए कुछ खरीदना हो, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाते हैं हमको ये लालसा आ जाती है कि ठीक है मैं अपने लिए जूते ले लेती हूँ, अपने लिए कपड़े ले लेती हूँ, सैलून चले जाती हूँ और अच्छी दिखने के लिए, ये वो इतने सारे जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास वो सारा भी हम करने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे ऊपर तो हम अपना एक्सपेंडिचर करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा हम अपने लव्ड वंस के लिए भी एक्सपेंसेस हमें करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर नेक्स्ट मंथ मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसको बर्थडे प्रेजेंट देना है मुझे, ठीक है, या फिर नेक्स्ट मंथ मेरी बहन की एनिवर्सरी आ रही है तो उनके लिए भी मुझे एक गिफ्ट लेना है, या फिर मेरी बहन की शादी आ रही है कुछ महीनों बाद तो उसके लिए भी मुझे शॉपिंग करनी है, उनके लिए भी गिफ्ट लेने हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो ऐसे में हमारे पास तो ये ऑलरेडी पता होता है हमको कि आने वाले टाइम में हमको ये आइडिया जरूर होता है कि कितना हमारा पैसा जाने वाला है। अगर हम बर्थडे प्रेजेंट ले रहे हैं तो हमको इतना परसेंट का या फिर इतने अमाउंट का हमारा एक्सपेंस तो जाएगा, कोई भी गिफ्ट ले रहे हैं फॉर दैट मैटर, अपने ऊपर भी हम स्पेंड कर रहे हैं, तो हमको ये आइडिया होता है कि 5,000 या फिर 10,000 जितना भी है जो भी रेंज है वो तो जाने ही वाला है, तो इसको हम कहते हैं स्पेंडिंग डेज। लेकिन यहाँ पे मैं क्या नया बता रही हूँ वो ये है कि आपको जैसे आप प्लान करते हैं अपने स्पेंडिंग डेज के लिए, वैसे ही आपको प्लान करना होगा अपने नॉन स्पेंडिंग डेज के लिए। अब ये क्या मतलब हुआ, नॉन स्पेंडिंग डेज ये होता है कि एटलीस्ट आपको ये देखना होगा कि वीकली वंस या फिर मंथली 4 times या फिर 2 days आपको स्पेंड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये डेडिकेट कर लिया, अपने माइंड को ये सेट कर लिया है कि ठीक है जो भी हो जाए मैं संडे को स्पेंड नहीं करूंगी, या फिर हो सकता है कि मैं मंथ के इस डेट पे और इस डेट पे स्पेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगी, हो सकता है ये मंथ एंड हो सकता है मंथ स्टार्टिंग हो, जब भी आपको लगता है कि आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपके अलावा नहीं पता है किसी और को कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपके हैबिट्स कैसे हैं। अगर मैं खुद की बात यहाँ पे करूँ तो मुझे पता है कि ठीक है इतने तारीख को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी, या फिर इस वीकेंड को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ जाऊंगी, वहां जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। ऐसे में मुझे पता होता है कि मेरे हैबिट्स क्या हैं, मैं कहाँ स्पेंड करने वाली हूँ। तो अगर जब आपको ऑलरेडी पता होता है कि आप क्या करने वाले हैं तो उसमें आप थोड़ा बहुत कंट्रोल अपने आप को कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हैबिट जरूर बनाइएगा किस तरह से आप अपने नॉन स्पेंडिंग डेज को प्लान करें। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सेविंग्स करना मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है, लेकिन अगर आपको पता है कि किस तरह से आपको सेव करना है, देन ट्रस्ट मी, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लें आज, तो आप जीवन भर रिग्रेट नहीं करेंगे इस हैबिट को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैक ये है कि आप हमेशा ये प्रेफर कीजिए कि किस तरह से आप कुछ चीज़ों को रेंट कर सकें देन एक्चुअली बाइंग इट। अब मैं आपको यहाँ पे अपना एग्जाम्पल देती हूँ। अब अगर मेरी फ्रेंड की शादी आ रही है कुछ महीनों में, तो मैं क्या करूँगी, मैं भी ये कोशिश करूँगी कि जितना एक्सपेंसिव उसने ड्रेस लिया है, जो ठीक है मैं भी उसके दोस्त हूँ, मैं क्यों कम रहूँ, तो मैं भी उतना ही एक्सपेंसिव ड्रेस लेती हूँ, उतना ही एक्सपेंसिव का पार्लर जाके अपना मेकअप करवाती हूँ, ये करवाती हूँ, वो करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं किस तरह से स्पेंड करूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी है तो हमको एक रीज़न मिल जाता है स्पेंड करने का। लेकिन क्या हमको कभी भी ये रीज़न मिलता है कि क्यों हमको सेव करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल का काम होता है, इसलिए हम बहुत लोग चूक जाते हैं इस सेविंग्स को लेकर।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आपका भी ऐसा कोई प्लान है, जैसे कि आने वाला कोई अगर शादी है, किसी दूर रिश्तेदार की शादी है और आपको ड्रेस चाहिए, तो ऐसे में आप ये प्रेफर कीजिए कि किस तरह से आप एक दिन के लिए, दो दिन के लिए एक ड्रेस आप रेंट कर सके देन बाइंग इट। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे खुद का एग्जांपल दूँ, तो 2 साल पहले मेरी बहन की शादी थी जहाँ पे मैंने बहुत ही एक्सपेंसिव लहंगा लिया था, जिसके बाद वो एक दिन पहनने के बाद जो कुछ ही घंटों की थी, उसके बाद मैंने आज तक उस लहंगे को छुआ भी नहीं है। तो ऐसे में आप ये सोचिए कि कितना ज़्यादा मैंने स्पेंड किया है कुछ घंटों के लिए और कभी मैंने उस कपड़े को यूज़ भी नहीं किया, तो इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। तो इससे मैंने ये सीखा है कि कहीं ना कहीं अगर मुझसे हो सके तो मैं कुछ चीज़ों को रेंट आउट कर सकूँ देन एक्चुअली बाइंग इट। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि अगर आप ऐसे हैं कि मान लेते हैं कि आपको कार खरीदने का बड़ा शौक है, लेकिन आपको कार चलाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू रेंट आउट अ कार देन एक्चुअली बाइंग अ कार। क्योंकि समटाइम्स अगर आप थोड़ा कैलकुलेट करके देखें, खुद ये देखें कि कहाँ कहाँ आपका एक्सपेंसेस जा रहा है, कितना आप उस एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सेव कर सकते हैं, जब तक आप ये नहीं करते तब तक आपके अंदर ये सेविंग्स का जो हैबिट है ना वो कभी नहीं आएगा। इसीलिए जब भी जितना ज्ञान मैं दे दूँ आपको वो कम पड़ जाएगा, अनटिल अनलेस आपको ये रियलाइजेशन हो कि किस तरह से आप अपने सेविंग्स को आगे बढ़ा सके। तो इस वीडियो में दोस्तों ये मेरे 3 हैक्स थे जिसको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आपकी भी कोई सेविंग्स एडवाइस है, आप भी कोई एक नया सेविंग्स का तरीका कर रहे हैं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम सबको पता चले, मुझे भी पता चले कि किस तरह से नए वे से हम अपने पैसे को सेव कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सबका यही गोल होता है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। तो ज़रूर अपने पैसे को अभी तक आपने सेव नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, और इन्वेस्टमेंट भी तुरंत कीजिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में इन डिटेल समझना है तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।